data poll the 7th February, Saturday. Date of counting 10th February, Tuesday. चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही दिल्ली के दंगल का बिगुल बज गया है। पिछले करीब साल भर से चुनी हुई सरकार का इंतजार कर रहे दिल्ली के लोगों को जल्द ही अपनी सरकार मिल जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। दिल्ली में 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 फरवरी को चुनाव नतीजे आ जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। The focus of all major political parties will be here, leading to very heated political campaign. That is one. Naturally, you know, commission has enough experience to deal with that situation. Nextly, about use of money power. On that also, we have to be. Plus, this being single election, isolated election, law and order wise, we can take adequate care. अधिसूचना 14 जनवरी को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 जनवरी होगी। 22 जनवरी को नामांकन पत्रों की छटनी की जाएगी और उन्हें वापस लिए जाने की अंतिम तिथि 24 जनवरी रहेगी। 15 फरवरी से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार दिल्ली में 1,30,00,000 वोटर हैं, जिनके लिए 11,763 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 में से 12 सीटें आरक्षित हैं। चुनाव की घोषणा के बाद सभी प्रमुख दलों ने इसका स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि जनता इस बार साफ जनादेश देगी और दिल्ली में स्थिर सरकार बनेगी। मैं समझता हूं कि चुनावों की घोषणा के बाद बीजेपी तो कम से कम पूरी की पूरी तैयार है। मैं समझता हूं ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, जहां आम आदमी पार्टी है वहां कांग्रेस के साथ भी मुकाबला है। देखना यह है कि अखाड़े के अंदर जीतेगा कौन। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जैसे हम पहले एक कामयाब सरकार 15 साल तक दिल्ली में चला पाए, लोगों के जुड़ाव, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और सार्थक मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूर्णतः उत्साहित है। Since the dates are announced, we welcome it and we are very confident that we are going to form the government in Delhi with massive majority. चुनाव आयोग ने भले ही अब तारीखों का ऐलान किया हो, लेकिन बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों ही अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रामलीला मैदान में रैली कर चुनावी बिगुल फूंका था, जबकि आम आदमी पार्टी तो पिछले महीने से ही लगातार रैलियां कर रही है। आप और कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों का भी ऐलान पहले ही कर दिया है। अब चुनावी रणभेरी बजने के बाद दिल्ली का दंगल और गरमाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आयोग भी मानता है कि इस बार उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि इस बार हीटेड जो प्रचार होगा वो उस पर कैसे नियंत्रण करेगा। निश्चित तौर से सर्दियों के मौसम में इस बार दिल्ली का चुनाव बेहद रंगीन हो सकता है। जनता अपनी नुमाइंदगी भी इसी अंदाज में तय करेगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।